हर इदारे का एहतराम करते हैं, अदलिया का एहतराम करते हैं, अदलिया पे एतमाद है, हमारे साथ ज्यादतियां हुई है। हम जब नॉमिनेशन पेपर फाइल करने गए तो हमारे बंदों को रोका गया, प्रोफेसर सिकंदर को रोका गया, टेक्निकल बुनियादों पे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए। लेकिन जिसने भी काम करना है, जो भी साहिब रिश्तेदार है, जो भी मौत अगर करके, उनसे हमारी एक दरख्वास्त जरूर है कि अब बहुत हो गया, 8 तारीख को खल्क खुदा को अपना वोट का हक राय दे, इस्तेमाल करने दे, इसमें दानने की कोशिश ना की जाए। जिसने शतरंज की तरह लोगों के लिए हुकूमतें बनवाई है वो तबाही की तरफ जाती है। आवाम कभी मुसल्लत शुदा हुकूमत एक्सेप्ट नहीं करेगी, हुकूमत वही होगी जो आवाम की ताकत और वोट और सपोर्ट से आएगी। इंशाल्लाह 8 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनवाएगी। बिलावल कहता है मैं आजादों को मिला के हुकूमत बनाऊंगा। बिलावल ये आपको समझाया गया है, खरीद पे रुख की सियासत होती रहती है पाकिस्तान में, अब बस हो गया। इस मरतबा इंशाल्लाह पार्लियामेंट में जो जाएगा वो खरीद पे रुख से बालातर रुख के जाएगा। इंशाल्लाह खरीद पे रुख वाला पार्लियामेंट में नहीं होगा, हम सबके रास्ते इसके लिए रोकेंगे इंशाल्लाह ताला। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, आप 5 बंदे ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की बुनियादी हकूक जिसमें से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है उसके अमीन है। आप मेहरबानी कर ले, इलेक्शन को फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बना ले। इलेक्शन वाले दिन 8 तारीख को मेक श्योर करे कि जो आवाम की आवाज है वो खल्क खुदा जिसके हक में दे उस वोट को काउंट करो। जो दानी की कोशिश करे उनको रोको। अगर दानी की कोशिश की गई और गांधी से बनती हुकूमत बनाई गई तो देख ले, एक तरफ 70% पाकिस्तानी आवाम जिसको आप अपोजिशन में धकेलोगे, दूसरी तरफ वो पार्टी जिसकी 0 क्रेडिबिलिटी है, वो पार्टी जो सब मिला के भी 20% पॉपुलरिटी नहीं रखते। अगर ऐसे पार्टियों को आप हुकूमत में लेके आएंगे तो ये मुल्क मजीद तजर्बे की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसकी नाजुक जमहूरियत, इसकी इकॉनमी किसी और तजर्बे की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। खुदारा होश के ना हम ले, इस मरतबा गांधी से बचे, कोई पार्लियामेंट में ना जाए जिसके पास आवाम का मैंडेट नहीं होगा। और इंशाल्लाह ताला आवाम का मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के टाइगर फोर्स लेके आएंगे और हुकूमत बनाएगी इंशाल्लाह।